एक ऐसा मल्टीबैगर शेयर जो पीएसयू है, जो पावर से है, जो हाइड्रो पावर से है, जिसके ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, बट ये स्टॉक अब क्यों नजर में आ रहा है, क्योंकि जब जून तिमाही के नतीजे सामने आए तो यहां पे समझ में आया कि एफआई ने इसमें स्टेक बढ़ा दिया। हम और आप परेशान हो रहे हैं, स्टॉक चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। सवाल है कि एनएचपीसी कब चलेगा। जी हाँ, एनएचपीसी की बात हो रही है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए, तभी आप सभी कंटेंट को टाइम पे फॉलो कर पाएंगे, देख पाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, यहाँ पे आपको सारे ऑथेंटिक लिंक बिल्कुल यहीं मिलेंगे। बाकी और बाकी जितना भी मेरे नाम से जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, सब का सब फ्रॉड है, हम कोई टिप्स नहीं देते। हम बात करते हैं एनएचपीसी के, पर एनएचपीसी के चार्ट पे चलने से पहले जो मैंने आपको बात कही कि ये क्या इसमें एफआईज आ रहे हैं, देखने की कोशिश कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एनएचपीसी के ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है। देखिए एनएचपीसी में जो एफआईज का स्टेक था 7.5% के आसपास में था, मार्च 2024 में जो स्टेक था 6.80 रह गया था, यहाँ इन्होंने घटाया था। एफआईज ने बहुत अच्छी बाइंग की है, ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा का स्टेक यहाँ पे, 2% से ज्यादा का स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। प्रमोटर ने थोड़ा सा घटाया है, ये जगह है एफआईज के पास में। इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ा सा कम किया है, पब्लिक ने भी थोड़ा सा कम किया है, अदर्स ने एंट्री मारी 1.28% के आसपास में। तो एक्चुअली पब्लिक के पास कुछ ज्यादा माल है नहीं, 12% के आसपास में है। एफआईज के पास में, इंस्टीट्यूशंस के पास में, सरकार के पास में ज्यादा इक्विटी है, तो यहाँ पे ये तो पक्की बात है कि ये स्टॉक तो अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक के ऊपर में, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे, अगर चैनल पे अगर आप जाएंगे, आप इसके ऊपर बाकी वीडियोस देख सकते हैं। ये पूरा चैनल पे आप जाके कोशिश करिए, चैनल के ऊपर में मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस नहीं है, 2 हफ्ते पहले ही बनाया था कि एनएचपीसी कब चलेगा। सवाल यही है कि एनएचपीसी कब चलेगा। तो चलो डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि एनएचपीसी एक्जेक्टली कर क्या रहा है। ये एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है, ध्यान दीजिएगा कि 90 रुपीज के आसपास का सपोर्ट है और 100 रुपीज के आसपास का एक बैरियर है। ऊपर में 110 के आसपास में इसकी बार बार रिजेक्शन देखने को मिल जाती है, तो इसका एक रेंज हो गई। रेंज क्या हो गई, 90 से 100 की और 100 से 110 की। इसी रेंज में ये स्टॉक काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट जनवरी से लेके अब तक ये स्टॉक चला नहीं है। तो क्या इसमें कंसोलिडेशन हो रही है, थोड़ा सा बड़े चार्ट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि मुझे सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच बहुत अच्छी लगती है। जब तक मैं बड़े चार्ट पे चीजों को नहीं देखता, मुझे मजा आता ही नहीं है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे काम करने की कोशिश करते हैं, वो टॉप डाउन अप्रोच को हमेशा से फॉलो करते हैं। पहले बड़ा देखो, फिर छोटा 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 टाइम फ्रेम। एंट्री आज करनी है, एंट्री 1 मिनट के चार्ट पे हो सकती है, 15 मिनट के चार्ट पे हो सकती है, 1 आवर के चार्ट पे हो सकती है, बट आपको एनालिसिस हमेशा बड़े चार्ट के ऊपर में करना चाहिए, तभी प्रोफेशनल बनने की तरफ पहला कदम उठाएंगे। तो यहां पे अगर स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं, ये स्टॉक कभी चलता नहीं था, सरकारी स्टॉक थे, नहीं चल रहे थे, मोदी जी की मेहरबानी हुई, मोदी जी ने कहा भैया जितनी सरकारी कंपनियों को ऑपोजिशन वाले गाली देते हैं सब चलेंगे, सब भागे, है ना। तो यहां पे अब यहां पे गेम क्या है, क्योंकि ये स्टॉक है पावर इंडस्ट्री से, और पावर के अंदर में हम बहुत बड़ा गेम कर रहे हैं। 17 लाख करोड़ रुपीस हमारे इस सेक्टर में आने वाले हैं नेक्स्ट 3 to 5 years के अंदर अंदर में। ये सेक्टर बहुत जबरदस्त ग्रो करेगा। एनएचपीसी सिर्फ हाइड्रो की कंपनी नहीं है, ये सोलर का काम भी करती है। इसके पूरी डिटेल्स पूरे पुरानी वीडियोस में दिए, जाके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अगर टेक्निकल बात करें, सिर्फ टेक्निकल बात करें, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ खास बायर्स नहीं थे, बट पीछे कुछ दिनों में यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की एंट्री दिखाई दी, एफआईज ने इस पे एंट्री करी, स्टॉक को उठा के 40 रुपए से बढ़ा के सीधा सीधा 100 रुपीज के आसपास में लगे, 2.5x के आसपास हो गया। अब यहां से इसी करेक्शन लगातार चल रही है, करेक्शन होने के बाद में थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि एक ऐसा सपोर्ट एरिया है जहां पे जो सेलिंग है, सेलिंग का जो क्वांटम है वो थोड़ा सा ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। मंथली चार्ट पे आरएसआई की वीकनेस थोड़ी सी रुकती हुई दिखाई दे रही, ये एक अच्छा साइन है। यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर में भी थोड़ा सा एक रिवर्सल के साइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ये सपोर्ट होना चाहिए बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, जो अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे हिसाब से जब ये जो बायर्स यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे, हालांकि ये बायर्स यहाँ सेलर्स में कन्वर्ट हो गए थे, पर ये जो बायर्स हैं, ये जो बायर्स हैं, अभी ये सेलर्स में कन्वर्ट नहीं हुए, तो या तो सेलिंग आए तो हम सोचे ब्रेक डाउन करेगा 90 रुपीज के नीचे स्टॉक वीक हो जाएगा, या यहाँ पे बड़े बायर्स आते हुए दिखाई दें। जिस भी दिन आपको बड़े बायर्स आते हुए दिखाई दें, ये आपको एक रैली की तरफ कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर डेली चार्ट के ऊपर में यहाँ पे स्टॉक ने एक डाइवर्जेंस दे दिया है, स्टॉक ने एक डाइवर्जेंस दे दिया है, तो यहाँ पे एक साइन है, देयर आर गुड साइन कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के ऊपर में कंसोलिडेशन हो सकती है। तो मोटा मोटा ये जो जोन है,
दिस जोन एक्चुअली अराउंड 90 रुपीज, दिस कैन बी कैप्ट एज अ वेरी सुपर स्टॉप लॉस और सुपर स्टॉप लॉस और सुपर सपोर्ट। आप इसको भी प्लान कर सकते हैं। इसको अगर देखने की कोशिश करते हैं हमारे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में, तो NHPC को हमने पहले से डाल के रखा हुआ है। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर कहता है ट्रेंड इज ओनली योर फ्रेंड, ये दिल्ली क्लास के लोगों को फ्री में मिल चुका है, बाकी नेक्स्ट हैदराबाद क्लास के लोगों को मिलने वाला है। हैदराबादी क्लास हमारी 28-29 को होने वाली है। आपकी बुकिंग कराने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारी किसी भी क्लास की फीस होती है 32,000 रुपीज़। हमारी 2 डेज़ की क्लास होती है, ठीक है ना। इसमें हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच सब हमारी तरफ से होता है, AM PMT हमारी तरफ से होती है। पहले 30 मेंबर्स को हम यहाँ पे डिस्काउंट देते हैं 5,000 रुपीज़ का, तो 27,000 रुपीज़ आपकी फीस देनी होती है फर्स्ट 30 मेंबर्स के लिए। पहले 30 मेंबर्स के लिए फीस होती है, बाकी कोई डिस्काउंट हम ऑफर नहीं करते। आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया है आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7669679113। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आप रिसीट को बुक कर सकते हैं। बात करते हैं NHPC की, तो NHPC यहाँ पे क्या करता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही जोन देखिए, 90 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 110 रुपीज़, ये इसी हर्डल में काम कर रहा है। तो अगर 90 के आसपास मिलता है, यहाँ पे छोटी सी बाइंग एक रेंज अमाउंट बाइंग की जा सकती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। 100 के ऊपर ब्रेकआउट होता दिखाई देगा, वापस 120-130 के आसपास निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ से 20-30% की अपसाइड पॉसिबल दिखाई दे रही है, बट ये सब संभव होगा जब यहाँ पे शिकारी आते हुए दिखाई देंगे, और थोड़ा सा एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अगर मैं यहाँ से डाउन ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करूँ, ये डाउन ट्रेंड था, रीटेस्टिंग थी, फिर से डाउन ट्रेंड, रीटेस्टिंग थी, डाउन ट्रेंड, तो यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट ऑफ ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देर इज डैम पॉसिबिलिटी स्टॉक में शायद रिवर्सल आ जाए। आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है, मुझे जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से NHPC का जो लगता था मुझे, मैंने आपको बता दिया। आपके टारगेट्स क्या है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे, आपका सपोर्ट क्या है, मुझे जरूर बताइएगा, ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें, बातचीत कर सकें मैसेज के थ्रू। और मैसेज कहाँ कर रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि हम एक इंटरेक्टिव वीडियो बना सकें, इंटरेक्टिव सेशन कर सकें चैट के थ्रू। मुझे समझ में आएगा कि हाँ मेरी ऑडियंस भी इंटरेक्ट कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, जय हिंद।